Hello? Hello? Koi hai? Hello? Anybody home? Hello? पहले से मोटे हो गए हैं। मोटा खुद को देखो तो ये तुम्हारा घर है? हाँ मेरा ही घर है। कब आए यहाँ पर? यही कोई एक महीना पहले। फोटोग्राफी? भाई वाह, ये कहाँ सीखा तुमने? जेल में डियर। जेल में? तो तस्वीरें किसकी लेते हो, लैंडस्केप वगैरह की या न्यूड मॉडल्स की? तू भी सुधरेगा नहीं है। कमा कितने लेते हो? बस काम भर का हो जाता है यार। तुम्हारी किस्मत हमेशा से अच्छी थी पता है। अच्छा तुमने क्या सीखा जेल में? मैंने एल एंड एल 4 आवर्स अ डे। एल एंड एल मतलब? मतलब लॉन्ड्री और लैट्रिन्स यार। पता है जेल में मुझे सब मिस्टर क्लीन कहते थे। ओहो ये क्या है, तुमने शादी तो नहीं कर ली? कम ऑन, मैं और शादी बस यू ही आ जाती है कभी कभी। क्या करने? अब्लाइज करने, अब्लाइज करने। लीजा? नहीं यार, लीजा और ऐसी जगह तुम भी ना। मुलाकात हुई उससे? नहीं, उसका कोई अता पता नहीं है। मेरा 2500 पाउंड लेकर भाग गई है सारी। अरे मुझसे भी 1800 पाउंड लिए उसने, मालूम? बोला डबल रखे वापस दूंगी साली। एक बार मिले नहीं, एक बार खून कर दूंगा मैं उसका। खून कर दूंगा? तुम किसी का खून नहीं कर सकते और लीजा का तो बिल्कुल भी नहीं। कैब छोड़ो। बताओ क्या करना है? तुम बताओ क्या करना है? क्या? अरे तुमने तो कहा कि फौरन 10,000 पाउंड चाहिए, तो आ जाओ। तो आ गया मैं। 10,000 पाउंड? हाँ भाई, मुझे तो 10,000 पाउंड चाहिए बस। एक मिनट। अरे हाँ यार, अगर जल्दी से और आसानी से 10,000 पाउंड कमाना है
तो 27 नंबर टेनिसन गार्डन आ जाना, नॉटिंग हिल गेट बेसमेंट फ्लैट। 9:30 बजे दरवाजा खुला रहेगा? हाँ। एक मिनट, अरे अरे तुमको भी वही मैसेज मिला? मैंने सोचा यह मैसेज तुमने मुझे भेजा है। अरे मैं ओहो, मतलब ये तुम्हारा घर नहीं है? और तुम कोई फोटोग्राफर भी नहीं हो? यू आर फिनिश्ड मैन। यस डियर, आई एम फिनिश्ड। जानते हो, पूरे कर्ज में डूब गया हूं। अगर 10 दिनों में उसके पैसे नहीं चुकाए ना, तो रियली आई एम फिनिश्ड। ये तो बुरा हुआ यार। एक काम कर, नहीं, मेरी तरफ मत देखो ना। मेरी तरफ देखने से कोई फायदा नहीं। अरे यार, जब से जेल से बाहर आया हूं, कुछ भी हाथ नहीं लगा। सब खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। फ्रिज में देखता हूं कुछ है कि नहीं। क्या है, क्या है? फिश फिंगर। अरे अरे, 10 फोन का नोट। चक्कर, ये मैसेज हमें भेजा किसने होगा? लीजा। करेक्ट, ये तो लीजा ही हो सकती है। और कौन जानता है कि हम कहां मिलते हैं? उधर क्या है? ये बेडरूम। इधर ये बाथरूम, दोनों अंदर से इंटरकनेक्टेड है। और कोई एंट्रेंस है यहां पे? नहीं। लीजा, लीजा, बाहर। गुड इवनिंग मिस्टर टेंटन। मुझे लगता है कि आप गलत जगह पर आ गए। आप ये कारपेट लेना पसंद करेंगे? मैं सस्ते में दे दूंगा। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर मैं मैसेज दे दूं? मैसेज? किसका मैसेज? उसी आदमी का जिसने आपको 2 घंटे पहले फोन किया था। 2 घंटे? ओह, तो पहले क्यों नहीं बताया? आ जाओ। थैंक यू मिस्टर टेंटन। ये मेरा नाम नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप वहां हैं। प्लीज, अब मैं आप लोगों को अपने आने की वजह बताता हूं। ये कारपेट मेरा नहीं है, ये मुझे बाहर कचरे के ढेर में मिला। मैसेज क्या है? लीजा कहाँ है? अब एक पार्टी मिस्टर, ये मेरा नाम नहीं है और ना ही मैं इस नाम के किसी आदमी को जानता हूं। लेकिन ये एक अच्छा नाम है, क्या ख्याल है सार्जन क्रोकर? हैं? सार्जन? कौन सार्जन? आप हैं डिटेक्टिव सार्जन क्रोकर। तुम कौन हो? आई एम हैरी रोड फ्रॉम सेंट एल्बन्स। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। किसने भेजा है तुम्हें और मैसेज क्या है? हाँ, मैसेज ये है कि 2 बहुत श्रूड आदमी है, मीडियम हाइट, कम बालों वाला, जो एक हाउसवाइफ के घर उसके पति का दोस्त बनकर जाता है, और दूसरा CID बनकर। बट द रियल ब्रेन इज एक खूबसूरत टैलेंटेड लड़की, जिसपे ये दोनों ही मरते हैं और उसपे उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं पर नाकामयाब होते हैं। और उधर वो खूबसूरत लड़की इन दोनों को पता ही नहीं देती, और इन दोनों के से ऊब कर एक पुलिस को गुमनाम फोन कर देती है और उनके सारे पैसे लेकर गायब हो जाती है बेचारे। एक मिनट, अगर लीजा ने तुमसे यह सब कहा है तो वो यहां खुद क्यों नहीं आई? है वो सारी बिच। तुम लीजा के लिए काम करते हो या फिर लीजा तुम्हारे लिए? हम सब लीजा के लिए काम कर रहे हैं। ओ, पर तुमने तो कुछ 10,000 पाउंड की बात की थी। करेक्ट, काम होने पर जरूर मिल जाएगा। और वो हमारे पैसे जो लीजा लेकर भाग गई है, उसका क्या होगा? वो भी मिल जाएंगे। कब? कल रात। लेकिन अगर हम कामयाब होते हैं तो, और अगर हम फेल होते हैं तो कुछ भी नहीं। ओके, ऑलराइट। और हम एडवांस 1,000 पाउंड लिए बगैर एक बात भी नहीं करेंगे, बस। लेकिन लीजा ने तो 2,000 पाउंड देने के लिए कहा है। तो क्या? और बाकी काम होने के बाद। एनी ऑब्जेक्शन? तो लाओ पैसे। पहले हम हथियार टेबल पर रखते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। ब्रास नकल्स इन योर पॉकेट मिस्टर क्रोकर, और आपका रेजर ब्लेड मिस्टर टेंटन, प्लीज। और तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? मैं गैरेंटीन प्रोटेक्ट मी। खूबसूरत है ना? फिर तो गैरेंटीन को भी इस टेबल पर होना चाहिए मिस्टर। नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो। ये रहे तुम लोगों के पैसे। काम क्या है? एक छोटी सी डॉल, एक अनोखी गुड़िया गुड़िया अमेजिकल डॉल, जो कुछ दिन पहले
लीजा के पास एम्स्टर्डम में थी और उसे अब लगता है कि शायद यहाँ इस फ्लैट में। वो डॉल इस फ्लैट में आई कैसे? लीजा की मुलाकात एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर एक फोटोग्राफर से होती है जिसे वो रिक्वेस्ट करती है कि वो लंदन के हॉस्पिटल में एडमिट एक बच्ची तक पहुंचा दे जो बेहद बीमार है। वो फोटोग्राफर भावुक हो जाता है और राजी हो जाता है उस डॉल को लंदन लाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो डॉल उस बच्ची तक पहुंचाए लीजा खुद उसे यहां लेने आ जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो डॉल कहीं गायब हो जाती है। क्या क्या मतलब है डॉल गायब हो जाती है? लीजा ने सैम को पूरे फ्लैट में उस डॉल को ढूंढते हुए देखा था और उसे नहीं मिलने पर परेशान देखकर वो दिखावा करते हुए कहती है कि मिस्टर सैम नॉट टू वरी, ये डॉल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंपॉर्टेंट नहीं थी? बेवकूफ समझाए हमें? हाँ सच सच बताओ कितने की ड्रग्स थी उस डॉल में? मिलियन? टू मिलियन? पहले हम डॉल ढूंढ लें। अगर लीजा ने तुम्हें यहां भेजा है तो उसे हमारी जरूरत क्यों पड़ी? आज सुबह लीजा ने यहां फोन किया था और उसने कहा कि वो एक इटालियन एक्ट्रेस लुसियाना है जो अपने कुछ पोर्ट्रेट्स बनवाना चाहती है मिस्टर हेंडरसन से उनके स्टूडियो में। अभी मिस्टर हेंडरसन के साथ उसका अपॉइंटमेंट फिक्स है और यही वजह है कि मिस्टर एंड मिसेस हेंडरसन घर पर नहीं है। मिस्टर हेंडरसन अपनी वाइफ को सिनेमा हॉल में छोड़कर अपने स्टूडियो गए हैं। इसका मतलब है कि वो मिस्टर एंड मिसेस हेंडरसन को यहां से निकालना चाहती थी ताकि खुद यहां आकर के डॉल ढूंढ सके। मतलब पत्नी सिनेमा हॉल में है और पतिदेव एक ऐसी अभिनेत्री का इंतजार कर रहे हैं जो कि है ही नहीं। वही बात तो, आखिर कितनी देर और इंतजार करेंगे वो? हाँ राइट, मुझे लगता है कि उसे रीअश्योर कर देना चाहिए। मिस्टर हेंडरसन जी, मैं जियानो रेस्टोरेंट से जियानो बोल रहा हूं। जी जी, मिस लुसियाना ने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। जी वो देरी के लिए बेहद शर्मिंदा है, वो माफी चाहती हैं। नहीं नहीं मिस्टर हेंडरसन, वो यहां से निकल चुकी हैं, बस पहुंचने ही वाली होंगी। जी थैंक यू मिस्टर हेंडरसन, थैंक यू। चलो हमें इससे कुछ और समय मिल जाएगा। इसका मतलब है कि वो कल रात यही थी? हाँ, उसने डॉल को हर जगह ढूंढा पर उसे मिली नहीं। हर जगह ढूंढा तो फिर ये कैसे बोला उसने? और अंदर एक अलमीरा है वो भी बंद है। फिर मैं देख कर आता हूं। डॉल वहां नहीं है माइक। डॉल वहां नहीं है, ये तुम्हें कैसे पता चला? लीजा ने देखा था, उसे चाबी अलमारी के ऊपर ही मिली थी। और ये सेफ, क्या लीजा इसके बारे में जानती है? ऑफ कोर्स जानती है, और यही वजह है कि तुम लोग यहां हो। ओ ओ ठीक है ठीक है, आने दो उस फोटोग्राफर को, उस पर प्रेशर डालकर ना ये सेफ खुलवा लेंगे हम। मान लो तुमने उससे ये सेफ खुलवा भी लिया और डॉल उसमें फिर भी नहीं मिली तो? अरे मैं शर्त लगा सकता हूं डॉल उसी सेफ में है। लेकिन लीजा चांस नहीं लेगी। अरे वो डॉल उसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हो सकता है कि सैम ने उस डॉल को कहीं और रख दिया या पुलिस को ही दे दिया। पुलिस? देखो इसे हमें बहुत सावधानी से हैंडल करना है, और हां कुछ भी हो लेकिन कोई तोड़फोड़ वायलेंस नहीं होनी चाहिए। लीजा ने ऐसे ही तुम लोगों का नाम नहीं लिया है। क्या कहा है लीजा ने? लीजा ने कहा है कि कुछ भी करो लेकिन कोई जबरदस्ती मत करना। देखो कुछ ऐसा करो जिससे कि वो या उसकी वाइफ खुद तुम्हें डॉल ढूंढ कर दे दे। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। जैसे हम काम करते हैं ठीक उसी तरह। एग्जैक्टली, बस इस बार हमको थोड़ी और चालाकी से काम करना पड़ेगी। एक काम करते हैं, पहले यहां देख लेते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। मैं उधर देखता हूं। मैं इसमें देखता हूं। बोर्डिंग पास, हेंडरसन, सैम हेंडरसन। इसका मतलब है कि पिछले बुधवार को वो एम्स्टर्डम में थे, कल ही लंदन वापस लौटा है। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे ये रोड एंड पे मुझे फोन बहुत दिख रहा है। एक काम करते हैं, हम दोनों इस वेनिशियन ब्लाइंड्स के जरिए एक दूसरे को सिग्नल देंगे। दो लेफ्ट दो राइट, दो लेफ्ट दो राइट, और फिर फोन बजे। वाह, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। हाँ ये अपना एक पुराना तरीका है। क्यों माइक, बाकी का काम आप हम पे छोड़ दीजिए। गुड, ये लो इस नोटबुक में
यहां का नंबर और बाहर टेलीफोन बूथ का नंबर नोट है। माइक, उस फोटोग्राफ में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसे भी नोट कर लो। ओके, तो हम काम कब से स्टार्ट कर रहे हैं? आज रात? कल। कल सुबह एक आदमी सैम को फोन करेगा और अपनी फैमिली के कुछ तस्वीर निकालने के लिए कहेगा, जिसके वो काफी अच्छे पैसे देने का वादा भी करेगा, जिसे सैम इनकार नहीं कर पाएगा। और वो आदमी सैम को कल पूरा दिन अपने घर पर रोकेगा, उसे डिनर तक रोके रखेगा, जिससे सैम कल पूरा दिन घर पर नहीं होगा। बस एक बात का ख्याल रखना है कि वो अपनी वाइफ को फोन ना करे, ठीक है? ये माइक कहां गया? बाहर रोड के एंड में एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी है, तुम लोग चलो, मैं 10 मिनट में आकर वहीं मिलता हूं। तो आप यहां रुक रहे हैं मिस्टर रोड? हाँ, बस देखना चाहता हूं कि कुछ भूल तो नहीं है। ठीक है, तो हम भी आपके साथ यहां रुकते हैं। बेहतर होगा कि हम साथ ना चले। अलमीरा की चाबी वहां नहीं है मिस्टर। तो जहां आपने बताया था वहां तो नहीं है। तो लीजा ले गई होगी। और अगर मिस्टर एंड मिसेस हैंडरसन रात में आएंगे और उन्हें चाबी नहीं मिलेगी तो उन्हें लगेगा कि चाबी कहीं खो गई। मेरा एक आखिरी सवाल पूछो। वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रही है ना? कौन? लीजा। हाँ लीजा, वो कितनी बारीकी से काम करती है। क्यों? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उस अलमीरा की चाबी तुमने कहां छुपाई है। ने काम से काम रखो माइक, वरना माइक देखो, मैं कहता हूं देखो, एंड देखो। अगर मैं ऐसा ना करूं तो जल्दी देखो। इससे काम चल जाएगा। टेबल पर रखो, रखो। क्रॉकर, इस पर नजर रखो। हाँ। मैं अलमीरा चेक करके आता हूं। हाँ। बैठो, सुनाई नहीं दिया? बैठो। माय गॉड, यू बास्टर्ड, क्या हुआ? अरे तुम्हारे पैसे पैसे क्यों फेंके? रोकर रोकर रुको, आई शुड स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। क्यों किया तुमने ऐसा? लीजा कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखा रही थी। मुझे लगा कि उसे डॉल मिल गई है और वो मुझे देना नहीं चाहती, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रेशर इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर इट वॉज टू लेट, मुझे उसे मारना पड़ा। रूप लड़ी पैसे, चलो चलो, तुम लोग भूल गए हो या तुम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो? अच्छा, मैं साबित कर सकता हूं इस वक्त तुम कहां गए हो। इसका मतलब ये सब कुछ मेरे अंदर आने से पहले हुआ। मैं कभी जेल नहीं गया हूं माइक, और ना ही मेरा कोई पुलिस रिकॉर्ड है। किसी ने लीजा के साथ तुम्हें भी तो बैठे कहीं देखा होगा? नहीं, कभी नहीं। मैंने कई बार उसका पीछा किया है, पर आज शाम के पहले हम कभी नहीं मिले थे। ओ, इसका मतलब लीजा ने इसको हमारे बारे में आज शाम को ही बताया? और भी बहुत कुछ बताया। हाँ, ठीक है ठीक है, अब हमें तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी है। हम तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, और हाँ, तुम्हारे ये पैसे भी हमें नहीं चाहिए। चलो क्रॉकर, चलो। सोचो, जरा सोचो, अभी अगर तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो तो मैं भी तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा, और लीजा की लाश को वहां छोड़ जाऊंगा। तुम लोगों के निशान तो पूरे फ्लैट में मौजूद है, और जब मैं तुम लोगों से पहले आया था तब भी मैं ये ग्लव्स पहने हुआ था, इसलिए अब वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। मिस्टर हेंडरसन कभी भी आ सकते हैं। अभी एक काम वाली बाइक की तरह सफाई करना बंद करो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। उस कारपेट को अंदर ले जाओ और लाश को लपेट कर बाहर कूड़े में फेंक दो, और मुझे गाड़ी में आकर मिलो। ये तुम चाहते क्या? सिर्फ इतना कि तुम लोग उस डॉल को हासिल करो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब लीजा के लिए नहीं, तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। कौन फर्क होगा मिस्टर रोड? अब हमें इस काम के लिए 5,000 pounds और देने होंगे। हाँ हाँ, 5,000 pounds से 1 pound भी कम नहीं। ठीक,
बॉन्डिंग है, वो देख नहीं सकती। कोई आवाज मत करना। हम लोग कहाँ जाए भाई? दरवाजे पर जाओ, क्रोकर कारपेट लेकर बैठो। मैं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तुम्हें देखना चाहिए था। अच्छा, वो कैसी दिखती है? अरे लुसियाना, क्या वो नहीं आई? दो घंटे से इंतजार कर रहे हो? आखिर वो खुद को समझती क्या है? नहीं, मैं स्टूडियो अभी नहीं, मैं घर पर ही रुकती हूं ना। 11 बजेंगे, ओह नो। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं क्रिस्टीन क्या चली जाती हूँ, तू मुझे वहीं से ले लेना। ओके बाय, लव यू। अरे तुम यहां कैसे? तुम्हें तो यहां होना चाहिए। बेवकूफ नहीं हूं, सब समझती हूं। चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। से जितना कहा जाए उतना ही किया करो, सब चौपट कर देता। आज से तुम सैम के दोस्त माइक ट्रेंटन और तुम सार्जेंट क्रोकर, और अब कोई गलती मत करना। अब अपने अपने पैसे उठाओ और काम पर लग जाओ। अब करना क्या है? उस कारपेट को अंदर ले जाओ और लाश को लपेट कर बाहर कूड़े में फेंक दो। मुझे गाड़ी में आकर मिलो। चलो
मर्डर के बारे में सुना? मर्डर? हाँ, किसका मर्डर? पुलिस को एक औरत की लाश मिली है। तुमसे किसने कहा? अरे सुबह मैंने रेडियो पर सुना है। अभी तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे घर पर रोकने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं। ओके वैसे अगर तुम चाहो तो मैं रुक जाऊंगा। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास हो। अच्छा? पर इसके लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। ओके मैं लाइट जला दूं? हाँ जला दो। सुजी वेट। क्यों? एक फोटो लेना है। एक मिनट एक मिनट। यस वेरी गुड पोज। वेरी गुड। वेट 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 एक और एक और एक और एक और। यस सुजी इमरजेंसी में तुम्हें 999 डायल करना है, याद है ना? हाँ याद है। वैसे तुम्हें लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर भी याद होना चाहिए। तो मेरी चिंता हो रही है। हाँ नहीं सुजी, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें याद रहे। अच्छा नंबर याद कर लो। बोलो। एक मिनट। यस नंबर है 22 22 12 12 42 42। जरा रिपीट करो। 22 यस 12 42। एक बार और। 22 12 42। वेरी गुड। सुजी मैं वो पहुंचते ही तुम्हें फोन कर दूंगा और जब वहां से निकलूंगा तब भी। ओके सुजी। हाँ? वो डॉल जरा ढूंढना। और हाँ उस लेडी का अगर फोन आए तो याद से उसका नंबर ले लेना। एक बात कहूं? एक बार ग्लोरिया से पूछूं, शायद उसे पता हो। नहीं उसे नहीं पता, पर मैंने पूछा था उसे। हाँ ग्लोरिया से कहना वो डॉल फिर से ढूंढे। वो आज नहीं आ रही है। तुम उसे लेकर शॉपिंग कर लेना। मैंने शॉपिंग लिस्ट और रुपये फोन के पास रख दिया। मेरे फोन आज वो नहीं आ रही है। अच्छा बताओ कहाँ है? टेबल के पास। अब ग्लोरिया ने क्या किया है? अरे क्या नहीं किया है, वो फिश का डोर बंद नहीं करती है। क्या मैं करीब हूँ? हाँ Try 20 डिग्री। अगर ग्लोरिया दरवाजा बंद नहीं करती है तो उसे फिर से कहना ग्लोरिया दरवाजा बंद कर दो। और फिर भी बंद ना करे तो? तब कहना ये हुई ना बात, थैंक्स ग्लोरिया। ये क्या बात हुई, ये हुई ना बात, थैंक्स ग्लोरिया।
वो अभी भी खुला है। हाँ बाबा मुझे पता है, तुम एक काम करो यहाँ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सुजी ये एक ट्रिक है जो मैंने आर्मी में सीखा था। तुम प्रिज्यूम करो कि उसने तुम्हारा कहा मान लिया, अगर वो काम नहीं करती है तो वो एम्बेरस होकर कर देगी। ग्लोरिया कोई आर्मी में है क्या जो एम्बेरस फील करेगी? इससे अच्छा होता ना मैं कुत्ता पाल लेती। कुत्ता तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक, पर मेरी चीजों को भी इधर उधर नहीं करेगा। मतलब? तुम्हें पता है जब हम घर पर नहीं रहते ना तो अपनी मम्मी से चाबी लेकर घर में घुस आती है और सारी चीजों को इधर उधर कर देती है। कल रात पता है क्या हुआ? क्या? चेयर हॉल के बीचों बीच था, मैं गिरते गिरते बची और अब सुबह से मैं परेशान हूँ कि एक डस्टबिन आखिर कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा है। लो मुझे मिल गया। मिल गया? ये लो जहाँ रहता वहाँ रख दो। कहाँ था? डाइनिंग टेबल के नीचे। देखा, मैंने कहा करती थी ये सब उसी का काम है। ओहो अब रहने भी दो, अब बिचारी का बाप उसे छोड़कर चला गया और माँ दिन भर काम से बाहर रहती है। सुधी तुम एक काम करो, तुम उसे चश्मिश बुलाया करो। चश्मिश? हाँ बाबा चश्मिश, बच्चे चश्मा पहनने वाले को चश्मिश बुलाते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो। अच्छा सुजी तुम्हें याद है ना तुम्हें फ्रिज डिफ्रॉस्ट करना है, लेकिन जैसा मैं करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं, इसे मेरे हाथों में चोट लग जाती है। कोई बात नहीं डार्लिंग, ड्रॉर में दवाई है। ये क्या बात हुई है, मैं क्या बस घर में काम ही करती रहूं? अच्छा सुनो, बारिश बंद होने पर तुम स्टूडियो तक का एक चक्कर लगा लेना और हाँ वॉक करके। आई एम नो चीटिंग। चीटिंग और मैं कभी नहीं। अच्छा तो कल रात फिल्म देखने के बाद वो लेडी तुम्हें रोड कैसे पार करा रही थी? तुम देख रहे थे? हाँ जब तक कि तुम रोड पार कर रही थी। I'm sorry, पर मैं क्या करूँ, लोग खुद मदद करने आ जाते हैं, मैं मना करती हूँ पर नहीं मानते। आई नो तुम मुझे वो क्या ना वो चैंपियन ब्लाइंड वुमन बनाना चाहते हो, पर समटाइम इट्स ओके ना। ओके सुजी, अच्छा सुनो तुम सिर्फ एक बार स्टूडियो जाओगी और आओगी बिना किसी के मदद के। हाँ ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। सुजी हाँ डार्लिंग आई एम वेटिंग फॉर यू। डोंट एवर लीव मी। नो चांस, आई विल नेवर। ये रिवॉल्वर कहाँ ले जा रहे हो? मैंने सोचा था स्टूडियो से आते वक्त ऑयलिंग क्लीनिंग करा लूंगा। ओके अच्छा वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना? कर रही नहीं सुजी, कर रहा है। अरे वो एक्ट्रेस लुसियाना। ओहो लुसियाना, वो तो मेरे पर मरती है, चांद छिड़क रही है, तड़प रही होगी बेचारी। मैं यही हूँ सुजी, कोई बात नहीं। पर जो भी कहो अब तो बाद ये मेरा लकी पंसा। जी जी आप तो लकी हो ही। माय नोज इज ब्लीडिंग। मैं दवा ले रहा हूँ सुजी। मैं मजाक कर रहा था डाले। अच्छा मुझे निकलना पड़ेगा, अब कहीं ट्रेन ना मिस हो जाए। एक सेकंड, बस मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ है। हाँ हु डोंट नो प्लीज। और हाँ ग्लोरिया से मत पूछना। मुझे तुमसे पूछना है ना, ग्लोरिया से पूछना है। अच्छा बाबा तुम्हारी जो मर्जी आए करो, सुजी अब मुझे निकलना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना। लव यू डार्लिंग। लव यू। बाय बाय, जल्दी आना। हाँ बाय बाय। Thank you.
लाइन। हाँ प्लीज मेरी मदद कीजिए, जल्दी से किसी को भेजिए। हाँ मैं पता नोट कीजिए, 27। एक मिनट, दरवाजे पर कोई है? कौन है? आ जाओ मिसेस हैंडरसन। हाँ ठीक है ठीक है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, लेकिन कुछ चल रहा है क्या? मेरे को समझ में नहीं आया, एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं देता। आप संभालिए अपने आप को, प्लीज मेरी मदद कीजिए, कुछ दिखा क्या आपको? हाँ सिगरेट है, सिगरेट। राष्ट्र में एक छोटा सा पेपर था, वही जल रहा था। ये ऐसे था कहाँ? डाइनिंग टेबल पर। मैं इतना घबरा गई थी ना कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्मेल आके दे से रही है। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम माइक ट्रेंटन है और मैं सैम का दोस्त हूँ। मैं मिसेस हेंडरसन। प्लीज टू मीट यू मैम। पर सैम से तो आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, वो तो अभी भी निकल गया और आज देर से लौटेगा। ओह नो, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। एक्चुअली मुझे आज रात ही वापस लौट जाना है। वैसे मैंने कल 9:30 बजे आपको फोन किया था पर कल हम देर रात तक बाहर ही थे। हाँ ये। ओह थैंक्स। आप क्या लंदन अक्सर आते हैं? जी नहीं, वो मेरा एक दोस्त का यहाँ फ्लैट है करीब में। अच्छा अच्छा। मैंने सैम को कल रात में किंगस्टन में देखा था। मैं उस वक्त कैब में था, मुलाकात नहीं कर पाया, सोचा आज घर पर आके मिल लूं। वहाँ उसका स्टूडियो है, आप बैठ जाए ना प्लीज। थैंक यू सो मच। आप कुछ लेंगे? श्योर, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। मैं देती हूँ ना, एक मिनट। तो सैम को फोटोग्राफी का शौक आज भी है? हाँ, आर्मी छोड़ने के बाद उसने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया है। आप भी आर्मी में थे? जी हाँ, मैं भी आर्मी में था। किस रेजिमेंट में? रेजिमेंट तो ठीक से याद नहीं, वो क्या है ना, काफी अरसे की बात हो गई इसलिए कुछ ठीक से याद नहीं रहा। लीजिए। थैंक यू सो मच। फील्ड रेजिमेंट? Field regiment, exactly. That was field regiment. Wow, what a sharp memory you have, huh? Thank you. आप सैम को तब से जानती हैं? अरे नहीं नहीं, हम साल भर पहले ही मिले थे कार एक्सीडेंट के बाद, और फिर 6 महीने बाद हमने शादी कर ली। Oh, I'm so sorry. लगता है कि उसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी आंखों की रोशनी चली गई। जी ये लीजिए, मेरी भी सैम से मुलाकात एक एक्सीडेंट की ही वजह से हुई थी। Really? What a terrible moment that was. पता है, मेरी जीप तालाब में गिर गई थी, तभी सैम ने मेरी जान बचाई थी। क्या इत्तेफाक है, मैं कार चलाना सीख रही थी और एक दूसरी कार ने आकर मेरी कार को ठोक दिया बस, और तब सैम ने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गया। पर यकीन मानिए, वो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं था। सैम और पोलाइट, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आप उससे डरते थे? अरे हम क्या, हम सब उससे डरते थे। वो? लेकिन हाँ, तब तक जब तक हम उसे जानते नहीं थे, लेकिन जब से हम उसे जानने लगे, I must say Mrs. Henderson, Sam is a wonderful man and you know he's a perfectionist. बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक दूसरी कौन? ग्लोरिया। एक बच्ची है। हाँ हाँ, आओ ग्लोरिया। वो तो चली गई। कोई बात नहीं। मुझे अफसोस है कि सैम से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। एनीवे, मैं चलता हूँ मिसेस हैंडरसन। सूजी। सूजी। मैं चलता हूँ, और हाँ सैम के आने पर मेरा हेलो जरूर कहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स माइक, तुमने वक्त पर आकर मेरी बड़ी मदद की, वरना ये फायर ब्रिगेड वाले तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओह नो। हेलो, आप अभी भी लाइन पर हैं? आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आप कुछ वो एक्चुअली वो एक सिगरेट का टुकड़ा था। जी जी, आई एम सॉरी। थैंक यू, थैंक्स। माइक वो चला गया। ओह ग्लोरिया, आओ आओ। कौन था वो? वो
सैम का पुराना दोस्त था, माइक ट्रेंटन। अच्छा, सैम का दोस्त था। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ शॉपिंग लिस्ट और पैसे कहाँ है? दोनों टेलीफोन के पास रखे हुए। मिल गए, और कोई काम? बस फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करना है, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। क्या किया तुमने? डिफ्रॉस्ट कर दिया। अरे बाबा ऐसे नहीं, सैम की तरह करो, पहले प्लग निकालो, फिर सारा सामान बाहर निकालो और उसके बाद गर्म पानी फ्रीजर में डाल दो। तो फिर तुम ही सैम की तरह करो, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। तुमने डोर बंद किया? हाँ, पर मैंने तो आवाज नहीं सुनी। ओके, दरवाजा खुला है। तो फिर बंद कर दो प्लीज। तुम क्यों नहीं बंद कर देती, कोई बगल में तो खड़ी हो। दैट्स माय गर्ल, थैंक यू। किस बात के लिए? डोर बंद करने के लिए। मैंने बंद नहीं किया है। देखो चश्मिश, ये हम दोनों के बीच से आ चुका है कि जो डोर खोलेगा वही बंद करेगा, समझ में आ रहा तुम्हें? कुछ गलती से गिर गया क्या? नो। तो फिर उसे उठाओ। आइंदा कभी मुझे ये बात मत कहना, और मैं चोर नहीं हूँ। चोर? किसे कहा तुम्हें? तुमने। मैंने? हाँ तुमने। मैं जानती हूँ सैम ऐसा नहीं कह सकता। तुमने मेरी मम्मी से कहा कि मैंने डॉल चुराई है, मैं क्या करूंगी उस स्टूपिड डॉल का? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, समझ में आया तुम्हें? और जो कुछ भी किया ना सब उठाओ। डोंट शाउट एट मी, आई डोंट लाइक इट कोई मुझ पर ऐसे चिल्लाए, समझे तू? क्या क्या कहा तुमने? I'm sorry, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या मतलब है इसका? मुझे तो इतना चश्मिश भी नहीं कहना चाहिए। तो फिर क्यों कहा तुमने? तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि, और सैम भी तो तुम्हें यही कहता है। सैम मुझे लाइक करता है, वो मुझे कुछ भी बुला सकता है। ओ, तब तो फिर सैम को ये बात बतानी होगी। क्या बताओगे? यही तो तुमने अभी कहा। अगर तुमने उसे कुछ भी बताया तो मैं भी उसे सब बता दूंगी। क्या बता दोगी? उस आदमी के बारे में जो अभी आया था, मैंने सब सुना। क्या सुना तुमने? माइक टेंटन, वो पिस्टल। क्या है तुम्हारे पास? वो एक पैकेट छोड़ कर गया है, बाय मिस्टेक आई एम श्योर। वो जहाँ था उसे वहीं रख दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर आएगा स्कूल लेने के बहाने तुमसे मिलने। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ। और मैंने फ्रिज का डोर बंद कर दिया है। शॉपिंग लिस्ट और पैसे भी रखते जाना, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। हाँ खुद ही कर लो शॉपिंग, और जो कुछ किराए करके जाओ। तुम सैम को सब कह दोगी? हाँ मैं सैम को सब बता दूंगी। तो फिर छुट्टी उठा लो। ठीक है उठा लूंगी मैं, जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, गई नहीं? कहा ना जाओ और वापस कभी मत आना। प्लीज प्लीज सैम से कुछ मत कहना, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। थैंक्स। तो फिर तुम सैम को नहीं बोलोगी ना? पहले मुझे ये बताओ कि तुमने क्या क्या तोड़ा है। डरो मत, बताओ। कुछ भी नहीं टूटा है। मतलब? मैंने सिर्फ अनब्रेकेबल चीजें फेंकी थी। ओह माय गॉड, वेरी इंटेलिजेंट, कहाँ से सीखा तुमने ये सब? डैडी से। डैडी से? तुम्हारे डैडी सामान फेंकते हैं? है नहीं थे। वो इसी तरह सामान फेंकते थे, जानती हो कुछ दिनों से पापा बहुत पीने लग गए थे, रोज देर रात को पीकर घर आते थे और मम्मी के साथ बहुत झगड़ा करते थे, मम्मी को मारते थे, कभी मैं रोकने गई तो मुझे भी 2-3 बार मारा। उस रात भी ऐसा ही वो पापा देर रात को पीकर घर आए और मम्मी को मारने लगे, घर के सारे सामानों को फेंकने लगे। तब मम्मी गुस्से होकर बोली, जरा देखो कैसे मारते तुमसे तो एक चीज भी
मम्मी को कुछ भी नहीं कहा। और अगले दिन जब हम सुबह उठे तो वो घर में नहीं थे। टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था वो कभी वापस नहीं आएंगे सुजी, वो चले गए सुजी, वो मुझे मम्मी को ऐसे ही अकेले छोड़कर चले गए। जो आदमी कभी सामान्य तोड़ सकता था वो तो रिश्ता ही तोड़ दिया। वो चले गए सुजी, वो चले गए। तुम्हारे पापा जरूर आएंगे, देखना मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे। वो सच में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। पहले तुम रोना बंद करो, रो मत। अच्छा बताओ तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी तो काम पर गई है। अच्छा चलो सामान खाने में मेरी मदद करो। अरे रुको, अभी इससे तुम्हें लग जाता तो। काफी तेज है ना? हाँ। अच्छा तो बाकी सामान तुम उठा लो। मैं शॉपिंग करके आती हूँ। ओके थैंक यू, बाय बाय। अच्छा सुनो। हाँ एक बात बोलू। हाँ बोलो। तुम मुझे आज से चश्मे से बुला सकती हो? ओहो थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे बाप रे, सो अब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। कौन है गुड़िया? एक आदमी। क्या मैं सैम हंट से बात कर सकता हूँ? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या मिसेज रोड के माइंड? आप शायद गलत सुन आ गए। मैं मिसेज हेंडरसन हूँ। मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा? हाँ एक मिनट, मैं देती हूँ। गेट बेसमेंट फ्लैट। हाँ प्लीज जरा जल्दी। ओके सुजी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सैम के आने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। थैंक यू माइक, थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। Thank you.
लेकिन मुझे आज रात ही फिर लौटना है। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए इसमें अपने एड्रेस लिखिए। आपने कहा उसके हाथ में कुछ था? हाँ, उसके हाथ में एक लेदर बुक जैसा कुछ था। ओ, ये रहा मेरा एड्रेस। ये आपका परमानेंट एड्रेस है मिस्टर टेंटन? जी हाँ। माफ कीजिए मैडम, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है तो मैं ये ब्लाइंड्स खोल रहा हूँ जरा। ऑल राइट, फिलहाल मैं चलता हूँ। वैसे आप घबराइए नहीं मिसेस एंडरसन, अगर आपके पति को लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है तो फौरन हमें फोन करें। थैंक्स ऑफिसर, इतनी जल्दी आने के लिए। हाँ इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, टेक केयर। हेलो, हाँ हाँ एक मिनट, सार्जेंट, मैं बुलाता हूँ। सार्जेंट, सार्जेंट, यस सार्जेंट, आपका फोन। फोन, एक्सक्यूज मी, यस सार्जेंट टोकर स्पीकिंग। क्या क्या बोल रहे हैं? डॉल। ऑल राइट आई एम कमिंग। या क्या आपको पता है आपके घर के बाहर से एक लाश बरामद हुई है? हाँ पता है। पता है, आप जानती हैं? मैंने सुबह रेडियो पर सुना है। क्या आपके पति उस औरत को जानते थे? नहीं। अरे भला वो कैसे जानेंगे? माफ कीजिए मिस्टर टेंटन, पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था, कल रात आपने कुछ सुना, कुछ अजीब अजीब सा महसूस किया? नहीं, कल रात हम बाहर थे। मतलब आप और मिस्टर हेंडरसन साथ में ही रहे होंगे? जी जी नहीं, मैं सिनेमा हॉल में थी और वो स्टूडियो में किसी एक्ट्रेस का फोटो लेने वाले थे। और कौन था स्टूडियो में उनके साथ? एक मिनट, क्या हो रहा है ये? क्यों ऐसे पूछताछ हो रही है? वो जिसका फोटो लेने वाले थे वो आई नहीं। देखिए आपको मिस्टर हेंडरसन के आने के बाद ही पूछताछ करनी चाहिए। ऑल राइट ठीक है, फिलहाल इतना ही काफी है, मैं चलता हूं। वैसे फिर से कोई जरूरत पड़े तो मैं दोबारा आऊंगा। टेक केयर। माइक? हाँ माइक, कमरा क्या काफी गंदा है? नहीं 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 तो फिर वो ऑफिसर इतनी साफ सफाई क्यों कर रहा था इस कोने में? वहां पर एक मैं देखता हूं। गुड आफ्टरनून मिस्टर हंट, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि आप गलत जगह पर आ गए। ये मिस्टर एंड मिसेस हेंडरसन का घर है। हेंडरसन, इजंट इट 27 टेनिसन गार्डन? हाँ वो तो है, अनहरी रोड। यहां भी एक बुजुर्ग आए थे। बुजुर्ग? अरे हाँ, एक बुजुर्ग आए थे। ही इज माय फादर। ओके प्लीज कैन आई कम इन? हाँ श्योर श्योर, प्लीज कम इन। थैंक यू, दिस इज मिसेस हेंडरसन, शी इज ब्लाइंड। आई एम सो सॉरी मैडम, आई होप मेरे फादर ने आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा। मैं आ गई। आ जाओ आ जाओ, सामान ले आई? हाँ। मैं बाद में आऊंगी, अपना ध्यान रखना और जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना। ओके कुछ गलत नहीं किया होगा? अरे जाकर बेडरूम में देखिए, पूरा बेडरूम बिखरा पड़ा है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी मिस्टर हेंडरसन,
मेरा नाम माइक ट्रेंटन है और मैं सैम का दोस्त हूँ। मिस्टर ट्रेंटन, देखिए मेरे फादर थोड़ा अजीब जरूर हैं, बट ही इज हार्मलेस। हार्मलेस? आप जानते हैं वो धमकी देकर गए हैं कि अगर उस औरत को अकेला नहीं छोड़ा तो उसे जान से मार लेंगे। क्या उन्होंने सैम हंट का नाम लिया था? उन्होंने यही नाम लिया था मैडम। वो क्या है कि मेरे फादर ने आपके हस्बैंड को सैम हंट समझा है क्योंकि एक फोटोग्राफर है और उन्हें लगता है कि मेरी वाइफ के साथ उसका अफेयर चल रहा है। What nonsense! I know, this is wrong, I'm so sorry. पर क्या है कि लास्ट संडे जब मेरी वाइफ अपने दोस्त से मिलने जा रही थी जो एम्स्टर्डम जा रहा था, तो मेरे फादर ने उससे पूछा कि अपने दोस्त का नाम बताओ और ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो तुम उसे देने जा रही हो। तो मेरी वाइफ ने कहा कि वो उसे वही डॉल देने जा रही है जिसे उन्होंने तोड़ दी है। क्या कहा हमने? डॉल? ऐसी क्या खास बात है उस डॉल में? इट्स अ म्यूजिकल डॉल मैडम, उसे एक खास किस्म की धुन बजती है जो मेरी वाइफ को बेहद पसंद है और इसीलिए उसने अपने दोस्त को दिया था कि वो उसे एम्स्टर्डम से बनवा कर ले आए। जब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए चली गई तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि डॉल उसे सैम हंट नहीं दी होगी और इसके बाद उन्होंने उसका पीछा किया और फिर अगली सुबह मुझे एक नोट मिला। हाँ, यहां थोड़ा अंधेरा है, जरा मैं ब्लाइंड्स खोलता हूं। हाँ, अब ठीक है। जिसमें लिखा था, डियर हैरी, सैम हंट लिव्स इन द बेसमेंट फ्लैट एट 27 टेनिसन गार्डन्स, योर्स डैड। और फिर जब अगली सुबह मैंने अपने फादर को कहा कि लुसियाना कल रात घर नहीं लौटी है, तो मेरे फादर ने बदहवासी में गाड़ी निकाली एंड ही सिंपली ड्रोव अवे। आई थॉट ही मस्ट हैव कम हियर, सो ही जस्ट केम इन। सुजी, मैं फोन उठाऊं सुजी। हेलो, जी हाँ, ये मिस्टर एंड मिसेस हैंडरसन का घर है। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना प्लीज। हाँ वो तो है, एक मिनट देता हूं। मिस्टर रोड, आपका फोन। कौन है? पुलिस। प्लीज उनसे कहिए कि मैं चला गया हूं। लेकिन ये आपके वाइफ के बारे में है। मेरी वाइफ के बारे में? जी हाँ, आपके फादर पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। ओह माय गॉड। हेलो जी, मैं बोल रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी आता हूं। हाँ मैं तुम मत जाओ। नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। सुन प्लीज शांत हो जाओ। सुजी, मुझे लगता है रोड की वाइफ को कुछ हुआ है। वो मर चुकी है। क्या? कल रात नहीं, बाहर उसका मर्डर हुआ। ओह माय गॉड, ये सब तुम्हें पता था? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था भाई, मुझे कुछ नहीं पता था। मिस्टर रोज जब फोन पर बात कर रहे थे तब मैंने रिलाइज किया। मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, सुनिए, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। सब ठीक हो जाएगा सुजी। नहीं माइक, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम कुछ जानते ही नहीं हो। सैम एम्स्टर्डम से डॉल लाया था। अरे तो कुछ जरूरी तो नहीं है कि ये वही डॉल हो? ये वही डॉल है जैसा मिस्टर रोड ने बताया। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं सैम का सामान अनपैक कर रही थी तो मेरे हाथों से लग के वो डॉल गिर गई। उसमें से बहुत ही खूबसूरत धुन बनी थी। मैंने सैम से कहा भी कि बहुत प्यारी धुन है, मेरे लिए लायो। तो सैम ने कहा कि नहीं, ये छोटी सी बच्ची के लिए है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। एक औरत ने उसे दी है उस बच्ची को देने के लिए। तो हो सकता है कि उसने उसे दे दिया हो। नहीं, सैम उसे दे पाता इससे पहले वो औरत खुद यह डॉल लेने आ गई थी। इससे क्या हो गया सुजी? सैम ने उस डॉल को बहुत ढूंढा पर वो डॉल नहीं मिली। ओह माय गॉड, वो एक्ट्रेस लुसियाना जो कल रात फोटोशूट के लिए आने वाली थी। ओह गॉड, वो मिसेस रोड ही थी माइक।
वो मिसेज नॉट है सुजी, सुजी अपने आप को संभालो। अरे सैम अगर उस औरत को जानता भी था तो क्या हुआ? माइक, हाँ माइक, हमारे बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल पे ना एक फोटो फ्रेम है लेदर की, जिसमें मेरे और सैम की तस्वीर है। लेदर फ्रेम? ओह माय गॉड, मैंने वो फ्रेम तो एक बूढ़े के हाथ में देखा था। हाँ वो बूढ़ा, ओह गॉड, माइक माइक वो फोटो ले गया, वो बूढ़ा फोटो ले गया। सुजी तब तो हमें साजिद को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम पुलिस को कुछ नहीं बता सकते। तुमने सुना नहीं, सार्जन फोन पर डॉल का जिक्र कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कल रात सैम कहाँ था, कैसा उस औरत को जानता है। नहीं माइक नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते। पुलिस तो यही सोच रही होगी कि सैम ने मर्डर किया। पुलिस यही सोच रही होगी कि सैम ने मर्डर किया। माइक माइक क्या हुआ? माइक सुजी, माइक क्या हुआ? बोला माइक, बोला क्या हुआ? सुजी सुजी बाहर पुलिस की वैन खड़ी है और वो लोग इस घर की तरफ देख रहे हैं। अब क्या होगा माइक? नहीं सुजी नहीं, हम सैम के आने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते। देखो हमें किसी भी हाल में उस डॉल को ढूंढना है और उसे यहाँ से हटाना है। कोई भी चीज जो सैम को मिसेज रोड से जोड़ती हो उसे यहाँ से हटाना ही होगा साजन के आने से पहले। वो फ्रिज में है। फ्रिज में? हाँ वो फ्रिज में। एक मिनट मैं देखता हूँ। आयशे के पीछे एक चाबी है। चाबी? हाँ। हाँ। मिले ये, हाँ ये, इसे इसे ये कवर खोलो, जल्द उसमें होगी। ओके मिली? नहीं इसमें नहीं है। ड्रॉवर में देखो, ड्रॉवर में मिली? ड्रॉवर में तो ये एक चाबी का बॉक्स है। हाँ बॉक्स। हाँ मैं यहाँ देखो तो इसमें एक चाबी होगी जिसपे लिखा होगा ब्रीफ केस। मिली? हाँ ये, हाँ ये, एक मिनट एक मिनट। इसमें? हाँ ओके। ये लो ये लो। इसमें भी नहीं है। हाँ इसमें तो ये कुछ लेटर्स हैं। लेटर्स? हाँ ये जरूर उसी के होंगे माइक। पढ़ो, और अगर मिसेज रोड के हुए ना तो जला दो। ये तुम्हारे लेटर्स हैं जो तुमने सैम को लिखे थे। लो पकड़ो। मेरे लेटर्स? हाँ उसने मेरे लेटर्स इसे संभाल के रखे हैं। सुजी सुजी हमने पूरा घर तलाश कर लिया सिवाय उस सेफ के, डॉल कहीं नहीं मिली। अच्छा सुजी 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 माइक 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 सीरी लाइट ऑन है। हाँ क्यों? सार्जेंट ने कुछ पढ़ने के लिए ब्लाइंड्स खोला था। मिस्टर रोट ने भी ऐसा किया था पर लाइट्स ऑन थी। मुझे कुछ याद नहीं सुजी। और मिस्टर रोट
मिस्टर रोड जब सीढ़ियों से उतर कर मेरी तरफ आ रहे थे तो उनके जूते से वैसी आवाज आ रही थी जैसे जैसे उस बूढ़े के जूते से आ रही थी। दोनों के चलने का ढंग बिल्कुल एक जैसा था। माइक भाई कहीं ये दोनों एक ही आदमी तो नहीं? पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। तुमने तुमने स्पोर्ट्स शूज पहने हैं ना? हाँ। सैम भी ऐसे ही जूते पहनता है। भाई देखो तो पुलिस की गाड़ी अभी भी खड़ी है क्या? ओके मैं देखता हूँ। अरे हाँ, हाँ वो तो अभी तक खड़ी है और वो लोग इस घर की तरफ देख रहे हैं। माइक ध्यान से देखो उसमें उसमें मिस्टर रोट है क्या? मिस्टर रोट? हाँ। कौन, बूढ़ा या बेटा? बेटा। माइक तुम्हें क्या लगता है मिस्टर रोट पुलिस वाले हैं? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा सुजी? जब सार्जेंट ने ब्लाइंड्स खोला था तब उसके लिए फोन आता है और जब मिस्टर रोड ब्लाइंड्स खोलते हैं तो उनके लिए फोन आता है। ओह आई सी, इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को इस ब्लाइंड्स के जरिए मैसेज दे रहे थे। एग्जैक्टली पर पुलिस ऐसा नहीं करती है ना। और मिस्टर रोड ने सैम के बारे में जो कुछ भी कहा है सैम वैसा नहीं है। मैं सैम को जानती हूँ, मैं अपने सैम को जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर मैं मिस्टर रोड को बिल्कुल नहीं जानती। देखो सुजी, अगर सैम पुलिस को सब कुछ ठीक ठीक बताने में कामयाब होता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो सुजी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें उस डॉल का ढूंढना बहुत जरूरी है। अच्छा कहीं कहीं वो डॉल इस सेफ में तो नहीं है? ये सेफ हमारा नहीं है माइक, ये जो हमसे पहले थे उनका है। मैं समझ गया सुजी, मैं अच्छी तरह समझ गया। किसी अजनबी के सामने सेफ खोलना सही नहीं है, मैं भी होता तो शायद यही करता। ऐसा नहीं है माइक, तुम तो सैम के दोस्त हो। सुजी तुम समझने की कोशिश करो, अगर डॉल उस सेफ में निकलती है तो सैम मुश्किल में पड़ सकता है। पर बिना चाबी के खुलेगी कैसे सेफ? सार्जेंट वारंट लेकर आएगा और उसे खोल देगा। तो फिर ठीक है, जाने दो उसे वारंट। अच्छा है इसे मेरे पास मिल जाएगा, अब तक मेरा सैम भी आ जाएगा। सुजी मैं जा रहा हूँ अभी। कहाँ? अपने फ्लैट। पापा क्यों? अगर इसमें ये डॉल मिल गई तो? मैं गया और वापस आया बस। तुम मुझे अपना नंबर तो देते जाओ। खैर देखो शायद नोटबुक में हो। हाँ ये रहा, डबल टू डबल टू फाइव फोर थ्री जीरो थ्री जीरो डबल टू फाइव फोर थ्री जीरो डबल टू फाइव फोर थ्री जीरो। मैं चलता हूँ सुजी। थैंक यू माइक, थैंक यू, आज तुमने मेरी बहुत मदद की माइक। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करती, क्या करती। थैंक यू माइक, थैंक यू माइक। जल्दी आना माइक। कौन है, कौन है?
तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो मैं कुछ सामान भूल गई थी, सो ले आई। थैंक्स। ओके बाय। अच्छा वैसे जो आदमी सैम के दोस्त के साथ था वो कौन? मिस्टर रोट। क्यों, क्या हुआ? क्या वो डिटेक्टिव है? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि कल रात यहाँ एक मर्डर हुआ है इसीलिए। गुड़िया जा जा खिड़की से बाहर देखो तो पुलिस की गाड़ी अभी भी खड़ी है क्या? नहीं तो कोई कोई पुलिस वाला इस घर की तरफ देख रहा है क्या? नहीं। कोई आदमी इस घर की तरफ देख रहा है? नहीं। तब वो चले गए होंगे। हाँ वो चले गए होंगे। देखो तो आसपास कोई टेलीफोन बूथ है क्या? सामने थे। हाँ गेंद में। उसके आसपास कोई कार खड़ी है, कोई आदमी है। हाँ फोन बूथ के बगल में एक गाड़ी खड़ी है। उसके अंदर कोई है? मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। ध्यान से देखो ग्लोरिया, कोई है उसके अंदर? नहीं। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं कुछ नहीं। मैं क्या सैम के आने तक रुक जाऊं? अरे एक आदमी गाड़ी से बाहर आया है। हा? वो किसी से बात कर रहा है। वो मिस्टर रोड तो नहीं जिसे तुमने डिटेक्टिव समझा था? नहीं वो नहीं है। सैम ने तो कुछ नहीं किया ना? नहीं सैम ने कुछ नहीं किया। थैंक गॉड। गुड़िया तुम्हें वो डॉल याद है? कौन सी डॉल? वो डॉल जिसके बारे में तुम्हारी मम्मी ने तुमसे पूछा था। क्यों क्या हुआ? वो डॉल उस औरत का है जिसका कल रात बाहर मर्डर हुआ था। हा? वो डॉल अगर हमारे घर में मिली ना तो पुलिस सैम को गुनेगार समझेगी। ये वही आदमी तो नहीं मिस्टर रोट जिसे तुमने डिटेक्टिव समझा था? नहीं वो नहीं है, पर ये वही है जो कार में था। क्या क्या वो हमें देख रहा है? नहीं वो हमें देख नहीं सकता। वो चला गया। ये डॉल यहाँ कैसे आई? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी छुपाई है। झूठ मत बोलो। हाँ सुबह से मैं परेशान हूँ इस डॉल को लेकर के। सच सच बताओ ये डॉल यहाँ कैसे आई? सॉरी मैंने लिया था। पर क्यों? मुझे लगा सैम मेरे लिए लाया है, पर उसने कहा ये किसी दूसरी लड़की के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लगा तो मैंने ले लिया। ये तुमने क्या किया ग्लोरिया, क्या किया? सॉरी 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 प्लीज माफ कर दो। मैं तुम्हें एक काम करोगी बहुत मुश्किल है। क्या? उस मनबूत पे नजर रख सकोगी? हाँ बिल्कुल, मम्मी के कमरे से दिखता है। गुड गुड, तो फिर एक काम करो, तुम अपने मम्मी के कमरे में जाओ और उस मनबूत पे नजर रखो, ठीक है? एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं रखनी चाहिए। और कार से उतर करके जो आदमी भी फोन बूथ में जाता है उसके फोन करने के बाद तुम मुझे फोन करना, समझ में आया? हाँ। क्या? अगर कोई कार से निकलकर फोन बूथ में जाता है तो उसके फोन बूथ से निकलने के बाद ही मैं तुम्हें कॉल करूंगी। गुड। और एक बात का ध्यान रखना, तुम घंटी से 3 बार बजाना, ओके? अगर मैंने उठा लिया तो मुझे सारी बात बताना और मैं रॉन्ग नंबर बोल करके फोन काट दूंगी, ठीक है? घंटी 3 बार ही बजाना, ठीक है? समझ में आया? हाँ बिल्कुल। ओके बिल्कुल बिल्कुल, जैसे से मैं मुझे बताती हूँ ना, वो तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक काम करती हूँ ना, सैम आता तो मैं बात करवाती हूँ। हाँ, दरवाजे पे कोई है, मैं रखती हूँ। हाँ, ओके बाय।
माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। मैं आपको फोन करने वाली थी, किसी ने मेरे बाथरूम के गिलास का नहीं बाथरूम में बिंदु का गिलास तोड़ दिया। क्या बढ़िया, तो कोई ग्लास नहीं टूटा। हाँ मैंने ग्लास ग्लास टूटने की आवाज सुनी। अरे नहीं नहीं सब ठीक है यहाँ पे सब। Excuse me. वैसे आप कुछ ढूंढ रही थी क्या? मैं कैटिंग का बैग ढूंढ रही थी। लाइए मैं ढूंढ लेता हूँ। नो नो इट्स ओके ऑफिसर, मैं ढूंढ लूंगी। आप क्यों परेशान होते? इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। वो वॉशिंग मशीन में तो नहीं होगा ऑफिसर? हाँ वॉशिंग मशीन में क्यों होगा, मैं तो बस यूं ही। वैसे आप कुछ और तो नहीं ढूंढ रही थी? मतलब अ डॉल? डॉल मैं समझी नहीं। जी हाँ अ डॉल, जो आपके पति एम्स्टर्डम से लाए थे और जो मिसेज रोड उस रात उनसे लेने के लिए आई थी। मेरे पति किसी मिसेज रोड को नहीं जानते। हमें मालूम है आपके पति मिसेज रोड को जानते थे। पता है कैसे? क्योंकि उस फोटोग्राफ से मिस्टर रोड ने आपके पति को पहचान लिया था। हाँ, वो फोटोग्राफ जो उन्होंने मेरे बेटे से चुराया था। हाँ? क्या डॉल उस सेफ में है? मेरे पति डॉल सेफ में क्यों रखेंगे? अगर रखा हो तो। वैसे आप उसे खोल के दिखा सकती हैं? नहीं, उसके लिए आपको वारंट लाना पड़ेगा। वारंट? वारंट तो हम ले ही आएंगे मैडम, इसे खोलने में हमें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। वैसे हाँ जब तक कार्यवाही खत्म नहीं होती आप कहीं नहीं जाएंगी। सार्जन क्या मिस्टर नोट अभी भी पुलिस स्टेशन में है? अब शायद नहीं, क्यों? मुझे उनसे बात करनी है, आप प्लीज मुझे उनका नंबर देंगे? वो तो पुलिस स्टेशन में होगा। आप ओके आप फोन किसको कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन। वो आपको नंबर नहीं देंगे, मैं बात करता हूं, मैं बात करता हूं। लाइए सर्जेंट कोकर स्पीकिंग, मिस्टर रोड वहां पर है? नहीं। उनके बेटे मिस्टर रोड मिसेस एंडरसन आपसे बात करना चाहती हैं। जी लीजिए। थैंक्स मिस्टर रोड, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने अपने लॉयर से बात की है और उन्होंने कहा है कि अब अगर आपके फादर ने एक भी झूठा इल्जाम लगाया तो उन पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूं? थैंक्स। थैंक्स सर्जेंट। ऑल राइट मैं चलता हूं। वैसे मैं वारंट लेके वापस जरूर आऊंगा। हेलो रॉन्ग नंबर। मुझे माइक को फोन करना होगा। टू 5 0 माइक माइक हाँ माइक 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 मुझे
दवाई मिल गई है। तो तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। माइक, मिस्टर रोड और सार्जन दोनों मिले हुए हैं। हाँ, तो तुम जल्दी से घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। हाँ, जल्दी से आओ। हाँ, मुझे डॉल छुपाना होगा। दरवाजा बंद कर दो भाई, दरवाजा बंद कर दो। सुजी, डॉल मिल गई? डॉल मिली? हाँ, कहाँ है? गोलिया, क्या हुआ? गोलिया? नहीं, मुझे लगा दरवाजे पर कोई है। नहीं सुजी, दरवाजे पर कोई नहीं है। भाई बाहर बारिश हो रही है क्या? नहीं तो सुजी, डॉल कहाँ है? एक मिनट, एक मिनट। सुजी, तुम क्या कर रही हो? मैं वो चाबियों का बॉक्स कहाँ है? ये डाइनिंग टेबल पर। उसमें से एक नहीं निकालोगे? तीन चाबियों वाले, एक बड़ी है दो छोटी। सुजी, डॉल क्या उस सेफ में है? नहीं, सेफ में नहीं है। मैंने देखा। देखा कब? तुम्हारे जाने के बाद। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारा नहीं। वो तो मैंने यूं ही कह दिया। तुमने कहा था ना कि तुम भी होते तो किसी दूसरे के सामने सेफ नहीं खोलते। मुझे लगा तुम समझ गए होगे। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना माइक? ये चाबी है। लेकिन तुमने तो कहा था कि डॉल तुम्हें मिल गई है। हाँ, मुझे पता चल गया डॉल कहाँ है। कहाँ है? सैम के ऑफिस में, ड्रावर में। सैम के ऑफिस में? ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें वो छोटी सी बच्ची याद है? हाँ हाँ, उसने बताया। तुम्हारे जाने के बाद उसका फोन आएगा कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। तो मैंने सोचा कि एक बार उसे भी पूछ लेती हूँ कि शायद उसने डॉल देखा हो। तब उसने बताया कि उसने डॉल देखा है सैम के ऑफिस के ड्रावर में। सुजी, तुम करने क्या जा रही हो? मैं उस डॉल के टुकड़े टुकड़े करके बाथरूम में नाश कर दूंगी। लेकिन तुम कैसे जा सकती हो सुजी? क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं तो हमेशा जाती हूँ। सुजी, मैं चला जाता हूँ ना, तुम मुझे चाबी दो, मैं चला जाता हूँ। नहीं, किसी ने तुम्हें देख लिया तो? अरे, मुझे कोई नहीं देख पाएगा सुजी, मैं संभल कर जाऊंगा। तुम मुझे चाबी दो। ओके, ये लो।
ये बड़ी वाली चाबी ना मेन गेट की है। ओके वो दोनों छोटी चाबी में से कोई एक 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 ड्रॉवर की है। गुड मैं गया अब फौरन डॉल लेकर आता हूं। ओके बाय। नहीं हां तुम वापस आओगे ना सूजी? मुझे जैसे ही डॉल मिल जाएगी मैं वापस आ जाऊंगा। हां माइक उस डॉल को लेकर आना फिर हम दोनों उसका टुकड़े टुकड़े करके बाद में फ्लैश कर देंगे। लेकिन मुझे एड्रेस तो बताओ। 14 Abington News। ओके सूजी मैं जा रहा हूँ मैं डॉल लेकर फौरन वापस आता हूँ। ओके माइक हाँ माइक तुम्हारे जाने के बाद ना वो ऑफिसर आया था। अच्छा क्या कह रहा था? वो मुझसे डॉल के बारे में पूछ रहा था। वो बता उसने डॉल को वॉशिंग मशीन में ढूंढा। वॉशिंग मशीन में डॉल को ढूंढा। मुझे फौरन लाने की धमकी देकर गया। मैंने कहा हाँ जाओ लेकर आओ। तुम जाओ माइक समझ के जाना। जाओ मैं जा रहा हूँ मैं फौरन लेकर आता हूँ जल्दी आना माइक। हाँ मैं जल्दी आऊंगा। ओके करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें अभी विक्टोरिया स्टेशन जाना पड़ेगा। अभी? तुम अभी टैक्सी लेकर विक्टोरिया स्टेशन जा रही हो। पर मुझे करना क्या है? तुम वहां जाकर के बता करना कि ब्राइटन से आने वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आती है। ठीक है हर ट्रेन पर नजर रखना और तुम्हें जैसे ही सैम दिखा देगा मुझे सारी बात बताना। डॉल के बारे में भी? डॉल के बारे में तीनों आदमियों के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो सब कर सकोगी? हाँ बिल्कुल।
आओ माइक, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। स्टूडियो ठीक से पहुंच गए? लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कभी वहां गई थी। तुम भी वहां कोई डॉल नहीं है। ओ, तो तुम्हें डॉल नहीं मिली? सुजी, सुजी तुम मुझे कितना जानती हो? ये हुई ना बात, अब हम दो समझदार लोगों की तरह बात कर सकते हैं। तुम मुझे पहले ये बताओ कि मिस्टर रॉट ने सैम के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, क्या वो सब सच है? डॉल कहाँ है? तुम सैम को कितना जानते हो? तुम जानती हो डॉल कहाँ है? मिस्टर रॉट का खून किसने किया? सैम ने उस औरत को नहीं मारा है। तो क्या मिस्टर रॉट ने उसे मारा है? देखो, ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या वो डॉल उस सेफ पे है? हाँ है। चाबी? सेफ खुला है। हाँ, वो यही है। अभी के अभी। देखो, इसके बाद तुम्हें उसे मारने का मौका नहीं मिलेगा। सो फास्ट एंड केयरफुल। ओके, चाबी दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा, वो खुला है। देखो सुजी, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, तुम्हें टॉर्चर नहीं कर सकता। तुम टॉर्चर? नहीं माइक, नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं जानती हो सुजी। हम बहुत कम वक्त में लोगों को पहचान लेते हैं, खासकर अगर आंखों से न दिखता हो तो और भी कम वक्त लगता है। तुम मुझे तकलीफ तो दे सकते हो, पर उतनी नहीं जिससे मैं टूट जाऊं। तुम ऐसा नहीं कर सकते माइक, तुम हैवान नहीं हो, मैं जानती हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने ठीक कहा सुजी, तुमने ठीक कहा। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं कर सकता, इतना टॉर्चर नहीं कर सकता कि तुम टूट जाओ। लेकिन सुजी, कोई है जो तुम्हें टॉर्चर कर सकता है, और वो है रोड। सुजी, तुम उसे नहीं जानती। He's a very vicious man. और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें टॉर्चर करे। हाँ, ओके सुजी, तुम जीती मैं हारा। इट्स ऑल ओवर नाउ। अब तुम चाहो तो उस मनहूस डॉल को अपने पास रख सकती हो। और हाँ, तुम्हें रोड से भी डरने की जरूरत नहीं सुजी, क्योंकि रोड मर चुका है। तुम फिर झूठ बोल रही हो सुजी? नहीं, अब और कोई झूठ नहीं। तुम बस इतना जान लो कि मेरी और क्रोकर की मुलाकात रोड के साथ कल रात से पहले कभी नहीं हुई थी। सुजी, सुजी मैं यहां से चला जाऊंगा, बहुत दूर। मैंने शैलॉक से पैसे उधार लिए हैं, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा सुजी, बहुत दूर। और फिर तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं वापस आऊंगा। सुजी, सुजी यू आर अ वेरी लवेबल एंड ब्रेव गर्ल। I admire you a lot, Susie. I admire you a lot. Thank you, Mike. Thank you. I know you are a good man. तुम चाहते तो मुझे बहुत तकलीफ दे सकते थे, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। I know you are a good man, Mike. You are a good man. Mike! 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 Mike!
और इन हरामियों को मालूम नहीं था कि मैं इनका बाप हूं। मर गए साले। सुजी, डॉल कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम मुझे किसी की याद दिला रही हो सुजी, वो भी ऐसे ही कह रही थी। मुझे नहीं पता डॉल कहाँ। डर गई? डर लग रहा तुम्हें? इसमें शर्म की कोई बात नहीं है सुजी। डरना अच्छा होता है सुजी। हाँ, तुम एक काम करो, तुम आराम से सोचो कि तुमने डॉल कहाँ छुपाया है, और तब तक मैं पूरे फ्लैट में पेट्रोल छिड़क दे। Now this into a nightmare. अब मुझे बताओ सुधी, तुम डॉल देकर बाहर जाओगी या डॉल के साथ राख हो जाना पसंद करोगी? मैं तुम्हें डॉल नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, फिर वही नहीं दूंगी। Arrogance, I don't like arrogance. तुम बात सिद्धि हो सुजी, वो भी ऐसी थी, पर जब मैंने उसके नाखूनों को एक एक करके उखाड़ना शुरू किया तो वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और फिर मुझे सब कुछ बताती चली गई। डॉल के बारे में, सैम के बारे में, माइक क्रोकर के बारे में, तुम्हारे बारे में सुनी। वो बोलती जा रही थी और अचानक खामोश हो गई, हमेशा के लिए। पर मुझे पता है सुजी, तू मुझे डॉल दोगी ना सुजी? तुम्हारा चाकू मेरे पास है, रोट खबरदार, मेरे करीब मत आना। कोई बात नहीं है सुजी, मैं बस एक तीली जलाऊंगा और सब कुछ खत्म। हाँ, सब कुछ खत्म। मैं जला देती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती सुजी। मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। मैं यहां से चला जाता हूँ, मुझे डॉल भी नहीं चाहिए। मैं बेडरूम में जाता हूँ। बेडरूम में जाओ। मैं यहाँ बैठा, सैम के आने तक मैं यहीं बैठा रहूंगा और आवाज करता रहूंगा। Now you are finished. मजा आ गया, मुझे अच्छा लगा।
मदालती सूजी प्लीज सर प्लीज मुझे डॉन दे दी डॉन ये लो डॉल मैंने डॉल दे दिया ना मुझे जान दो यू आर अ वेरी शार्प एंड क्लेवर गर्ल सूजी प्लीज बट वेरी एरोगेंट प्लीज मुझे जान दो आई लाइक इट प्लीज गुड प्लीज आई लाइक इट प्लीज वन मिलियन आप सब यहाँ आए अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे नाटक को सार्थक किया मैं कलाकारों का परिचय करवा दूं शरद चैटर्जी रिया देवनाथ साहिर सिद्दीकी रॉकी मंडल अंजुम रिजी सूजी के रोल में बिंदु जायसवाल और हमारे डायरेक्टर श्री शिव कुमार झुंझुनवाला जी भैया